हेलो एवरीवन, क्लास टेंथ बेसिक मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 20 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? एसर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस अगेन है, जिसके चार ऑप्शन तुम्हें दिए रहते हैं। 2+√3 × √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है। आ जाओ चेक कर लेते हैं, हमें कौन सा नंबर दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है 2+√3 × √3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। तो 2 × √3 क्या हो जाएगा? 2√3, और +√3 × √3 क्या हो जाएगा? दैट इज 3। तो ये तो हमारा रैशनल नंबर है, बट ये हमारा कैसा है? इरेशनल नंबर। और दो, अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर है, दूसरा इरेशनल नंबर है, उसका सम भी करेंगे तो इरेशनल नंबर आएगा। यानी कि और एसर्शन जो है वो तो तुम्हारा एकदम 100% सही है। ये तो तुम्हारे क्या है, 100% सही है कि 2+√3 × √3 ये हमारा एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि क्योंकि सम ऑफ रैशनल और इरेशनल हमेशा कैसा होते हैं? इरेशनल नंबर तुम्हें देखने को मिलते हैं। ठीक है, रीजन में आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, है ना। दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा इरेशनल होता है। ऑलवेज यहां पर लिखा हुआ है, ऑलवेज लिखना ये इस स्टेटमेंट को एकदम फॉल्स बना देता है। क्या बना देता है? इस स्टेटमेंट को फॉल्स बना देता है। अब तुम सोचोगे सर फॉल्स तो बना देता है, बट आप ये बताओ कि कैसे फॉल्स बना देता है। जैसे अगर तुम देखो तो √3 × √5 कितना होता है बताओ? दोनों इरेशनल नंबर है, √3 भी इरेशनल नंबर है, √5 भी इरेशनल नंबर है। चैप्टर वन में तो तुमने सॉल्व भी किया होगा, प्रूव भी किया होगा कि दोनों इरेशनल नंबर कैसे हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आएगा √15। कितना आएगा? √15 आएगा। और √15 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। क्या है √15? एक इरेशनल नंबर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यानी कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट है ना, यहां पर तो सर इरेशनल आ रहा है, लेकिन अगर वही तुम करो कि √3 × √3 है ना, दोनों कैसे हैं? इरेशनल नंबर है। और जब इसका तुम प्रोडक्ट करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है, जो कि कैसा है? एक रैशनल नंबर है। इसीलिए ये कहना कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज, क्या बोला है? ऑलवेज बोला है। अगर यहां पर मे बी ऐसा कुछ वर्ड हमें यूज करता हुआ देखने को मिलता तो एक समय के लिए हम लोग सोच भी सकते थे कि चलो क्या होगा इसका आंसर, लेकिन ऑलवेज लिख दिया। ऑलवेज लिखना ही इसका सबसे बड़ा क्या होता है, गलत साबित हो गया। ऑलवेज नहीं होना चाहिए था इसका, यानी कि रीजन जो है वो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। और एसर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। ये है तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि तुम्हें अगेन ये कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सेक्शन बी के सॉल्यूशन के साथ। यहां पर हमारा ये सेक्शन जो है वो कंप्लीटली कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन यानी कि सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 के सॉल्यूशन के साथ, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। बाकी तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लेना।